नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले की सर्विलांस टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइलों को बरामद कर उनके हकीकी मालिकों को सौंपा है, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। शुक्रवार को जिले के कप्तान अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में मोबाइल के हकीकी मालिकों को बुलाकर उन्हें मोबाइल सौंपते हुए कहा कि वे अपने मोबाइल का ख्याल रखें। पुलिस कप्तान ने कहा कि जिले की सर्विलांस टीम के काफी अथक प्रयास से कई वर्षों से गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग की इस कोशिश से लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर पुलिस विभाग के लोगों को काफी इत्मीनान होता है। पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने सर्विलांस टीम के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। ये सिद्धार्थनगर पुलिस की सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज 59 मोबाइल, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये होगी, उसको बरामद कर इसके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया गया है। ये सभी फ़ोन विभिन्न तिथियों में खो गए थे, जिसकी विभिन्न प्रकार से पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी। इस पर हमारी सर्विलांस टीम लगातार कार्य करती रहती है और जहाँ जब भी किसी खोए हुए मोबाइल की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ये जो 59 मोबाइल जो बरामद किए गए हैं जनपद सिद्धार्थनगर तथा आसपास के जनपद, साथ ही दिल्ली और मुंबई से भी कुछ फ़ोनों को बरामद किया गया, इनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है, टीम ने किया है। इससे जनता को भी बहुत खुशी प्राप्त हुई है इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। मैं इनके 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा करता हूँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।